चतुर खरगोश। बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर आए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है, आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं, तो आप घर पर ही क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपको भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा, हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता, वह शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई तो एक छोटे से खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था, उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मारकर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वह वहां धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था कि खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो, मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका, महाराज कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला, उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है, मैं किसी तरह बचकर निकल आया। दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर। शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। वहां हैंडुस किले में रहता है, आपको इस तरफ आता देखकर छिप गया। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। शिक्षा, बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है।